नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। शेयर बाजार फिसला, सेंसेक्स में 302 अंकों की गिरावट। हरियाणा में गांधी नेहरू परिवार की संपत्तियों की होगी जांच, खट्टर सरकार का फैसला। बिहार के बक्सर के सरकारी अस्पताल में नवजात को ट्रे में लेकर भटकती रही मां, कागजी कार्रवाई में देरी से गई जान। कोरोना टेस्टिंग में ICMR का नया मुकाम, 24 घंटे में 5,15,000 टेस्ट। RBI फिर घटा सकता है ब्याज दरें, 0.25% की हो सकती है कटौती। LSE पर चीन की नई हरकत, कांग्रेस ने मांगा सरकार से जवाब। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की भव्य तैयारी, दीपों से रोशन होगा शहर। पूनम पांडे ने बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे संग की सगाई, सामने आई फोटोज। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में महेश भट्ट को मुंबई पुलिस ने 12 बजे बांद्रा थाने बुलाया। केरल में शादी समारोह में शामिल होने के बाद 43 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 49,931 केस सामने आए, 708 लोगों की मौत। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 14,35,000 पहुंची। मुंबई के हिंद माता इलाके में भारी बारिश, कई जगहों पर जल जमाव। इंडिया टुडे चित्रकूट खुलासा, NHRC ने केंद्र, UP DGP और मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। राजस्थान पुलिस का आरोप, हरियाणा पुलिस विधायकों से नहीं करने दे रही है पूछताछ। गाजियाबाद में सूटकेस में मिला नवविवाहिता युवती का शव। सावन का चौथा सोमवार आज, उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई भव्य आरती। अमेरिका में कोरोना के नए मामलों ने फ्लोरिडा ने न्यूयॉर्क को पछाड़ा, 9,300 नए केस रिपोर्ट। अदनान का खुलासा, फ्री में परफॉर्म करने के बदले मिला था अवार्ड खरीदने का ऑफर। कसौटी फेम एक्टर पार्थ हुए कोरोना नेगेटिव, सोशल मीडिया पे दी गुड न्यूज। रहमान के बाद सोना बोली कि इस गैंग के चलते पति का हो रहा काफी समय डिप्रेशन। संगकारा ने माना कि फैंस को कोरोना की टेंशन से बाहर निकालेगा IPL। IPL के लिए तैयार है सुरेश रैना, कहा ये सपने जैसा लग रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री अश्केनाजी ने अपने भारतीय समकक्ष S. जयशंकर से की फोन पर बात।